जालौर जिला मुख्यालय समेत भीनमाल, सांचौर, सायला समेत जिले के सभी उपखंड मुख्यालयों पर मंगलवार को 3 दिवसीय जालौर महोत्सव का आगाज हुआ। इस दौरान भव्य और रंगारंग शोभा यात्रा निकाली गई। यह आयोजन पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन एवं जालौर विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में शुरू हुए। तो वहीं महोत्सव में इस बार मोजड़ी के शान जालौर की पहचान के तहत एक साथ स्टेडियम ग्राउंड में करीब 1200 लोगों ने मोजड़ी पहनी और इसे मोजड़ी का गौरवपूर्ण रिकॉर्ड बना। इसे मोजड़ी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करा के जालौर को गौरवान्वित किया गया। स्टेडियम प्रांगण में सांस्कृतिक व खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। महोत्सव के समन्वयक हितेश प्रजापत ने बताया कि शाही शोभा यात्रा हनुमानशाला स्कूल जालौर से गाजे बाजे के साथ निकली। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी, एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल, एएसपी अनुकृति उजैनिया, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय वासु, एसडीएम चंपालाल जीनगर, जालौर विकास समिति के सचिव मोहन पराशर सहित समस्त महोत्सव समिति के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शोभायात्रा हरिदेव जोशी सर्कल, हॉस्पिटल चौराहा और राजेंद्र नगर होकर स्टेडियम ग्राउंड पहुंची। इस दौरान लोगों ने फूलों की वर्षा करके शोभायात्रा का स्वागत भी किया। ये जालौर महोत्सव का उद्घाटन जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी ने ध्वज लहराकर किया और सभी को महोत्सव की शुभकामनाएं दी। कलेक्टर ने मोजड़ी का रिकॉर्ड दर्ज होने पर कहा कि इससे जालौर के कलाकारों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। समिति के सचिव मोहन पराशर ने महोत्सव के दौरान होने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी। चलिए अधिक अपडेट के साथ में सहयोगी सुरेश धवल जालौर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेश, देखिए जालौर महोत्सव जो कि एक शान कहा जाता है, मरुस्थल की शोभायात्रा के साथ महोत्सव का आज आगाज भी हो गया और विधिवत तस्वीरें जो सामने आई, काफी ज्यादा सुंदर तस्वीरें, किस तरह से पूरा दिन चला कार्यक्रमों के साथ और आगे क्या जानकारी इस पर? बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से जालौर महोत्सव हर वर्ष जालौर जिले में मनाया जाता है, आज जालौर जिला मुख्यालय समेत भीनमाल, सांचौर, रानीवाड़ा, सायला समेत अनेक मुख्यालय और तहसील स्तर पर मनाया गया। जालौर जिला मुख्यालय की अगर मैं बात करूं तो जालौर जिला मुख्यालय पर आज जालौर महोत्सव के दौरान रंगारंग कार्यक्रम के साथ शोभा यात्रा जालौर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए निकाली गई। इसमें जालौर की जो प्रसिद्ध मोजड़ी है वो आकर्षक का केंद्र रही। मैं आपको यदि बताना चाहूंगा जिस तरह से लगातार जालौर जिले में ये पहली बार पूरे देश के अंदर ये पहली बार जालौर जिले के अंदर मोजड़ी की पहचान, जालौर की पहचान के तहत ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 1200 लोगों ने करीबन मोजड़ी पहनकर राष्ट्रगान की शुरुआत करते हुए जालौर महोत्सव का आगाज किया। इस दौरान जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी, एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला समेत तमाम जिले के जो पदाधिकारी है और जालौर वासी है उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया। जी सुरेश, उसके अलावा जो कार्यक्रम में कलाकार परफॉर्म कर रहे हैं, काफी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहले परफॉर्म कर चुके हैं कई देशों में, आने वाले दिनों में जब महोत्सव आगे बढ़ेगा कौन से कार्यक्रम और क्या प्रतियोगिताएं इसमें रह सकती हैं? बिल्कुल, देखिए इस महोत्सव के अंदर कई कार्यक्रम है जो आज ये 3 दिवसीय महोत्सव आज आगाज हुआ है। इसमें नटराज मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसके अलावा अनेक कार्यक्रम है जो जालौर जिले के जिला मुख्यालय समेत अनेक जो उपखंड मुख्यालय है उस स्तर पर मनाया जाएगा। इसके अलावा नटराज मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कवि सम्मेलन है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम है जो प्रोग्राम किए जाएंगे। बिल्कुल, चलिए सुरेश बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।